Hello viewers, welcome back to our channel. Hope you all are doing well. मैं आज इस वीडियो में आपको होममेड एंटीसेप्टिक गार्गल वाटर बनाना बताऊंगी जो आपके गले के दर्द में जल्द राहत देगा. उमूमन गले का दर्द देखा जाए तो वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एलर्जी, कोल्ड, एसिडिटी और पॉल्यूशन की वजह से होता है. इनिशियल स्टेज में हम इसको होम रेमेडीज से क्योर कर सकते हैं. आज ऐसी ही होम रेमेडी लेकर मैं आपके लिए आई हूँ जो होममेड एंटीसेप्टिक गार्गल वाटर है, जो हमारे किचन में मौजूद इंग्रेडिएंट से इजीली तैयार किया जा सकता है. अक्सर गला दर्द होने पर व्यूअर्स हम साल्ट वाटर से गार्गल यानी कि गरारे करते हैं. अगली बार जब भी आपका गला खराब हो जाए तो मेरे बताए हुए तरीके से गार्गल यानी कि गरारे ज़रूर करिए. इससे बहुत जल्द आपके गले की तकलीफ में राहत मिलेंगी. ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है. इसके लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, गार्लिक, साल्ट, टर्मरिक. इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल कर हम गार्गल वाटर तैयार करेंगे. वीवर्स, ये गार्गल वाटर बनाने के लिए हम गार्लिक यानी कि लहसुन यूज़ कर रहे हैं. गार्लिक में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करता है. लहसुन एक एलिसिन नामी कंपाउंड रिलीज करता है जिसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल प्रॉपर्टीज होती है जो गले के दर्द में राहत देता है. हम गार्लिक को पेस्ट फॉर्म या क्रश फॉर्म में यूज कर सकते हैं. वीवर, सेकेंड इंग्रेडिएंट जो हम इस गार्गल वाटर के लिए यूज़ कर रहे हैं वो टर्मरिक यानी कि हल्दी है. हल्दी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है. हल्दी में करक्यूमिन नामी कंपाउंड होता है. हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखती है. ये गले के सूजन और गले के दर्द को कम कर. वीवर्स, थर्ड इंग्रेडिएंट जो हम गार्गल वाटर के लिए यूज़ कर रहे हैं वो साल्ट है. नमक हमारे म्यूकस यानी के बलगम को निकालता है और गले की सूजन और गले के दर्द में राहत देता है. हम गार्गल वाटर के लिए तीन चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो कि साल्ट, टर्मरिक और गार्लिक है. ये तीनों चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है गले के दर्द को ख़त्म करने में. वीवर्स, गार्गल वाटर बनाने के लिए मैंने 1 ग्लास पानी को बॉईल कर रही हूँ. इसमें हम गार्लिक डालेंगे. मैंने 2 से 3 गार्लिक क्रश फॉर्म में डाले हैं. आप क्रश या पेस्ट फॉर्म में डाल सकते हो. उसके बाद 1/2 टी स्पून टर्मरिक डाला है. उसके बाद हम साल्ट एज पर टेस्ट डालेंगे. आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग साल्ट इसमें डाल सकते हो. इसके बाद हमें इसको 2 मिनट तक बॉईल करना है. हम इसको 2 मिनट तक बॉईल करेंगे. हमारा गार्गल वाटर बॉईल हो रहा है. ये जैसे ही बॉईल हो जाएगा 2 मिनट के बाद हम निकाल लेंगे. मैंने ग्लासेस में निकाल लिया है. ये जैसे ही नीम गर्म हो जाएगा इसको आप गार्गल्स के लिए यूज़ कर सकते हो. इसको दिन में 3 से 4 मरतबा आपको यूज़ कर. वीवर्स, इस गार्गल वाटर से गार्गल्स यानी कि गरारे आपको दिन में 3 से 4 मरतबा गले के दर्द को ख़त्म करने के लिए करने होंगे. सोने से पहले इससे गार्गल्स यानी कि गरारे ज़रूर करें. गार्गल्स करने के बाद आपको पानी या कोई ठंडी चीज़ 10 मिनट तक बिल्कुल लेना नहीं है. ये गार्गल वाटर टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है. इसको आप पी भी सकते हो. ये गार्गल वाटर बहुत इफ़ेक्टिव है. इससे बहुत जल्द आपके गले की तकलीफ और गले के दर्द में आराम मिलेगा. व्यूअर्स, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें. थैंक यू for watching.